हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल न्यूमेरिकल 3.3 है। इसमें भी उसने कहा कि नोइंग डेट डाया इज इक्वल टू, ये इसकी इमेज है डी, जो ये इनर डी है बेसिकली, डी गिवन है 1.2 इंच। डिटरमाइन दी टॉर्क टी फाइंड करना है, काजेज द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस गिवन 7.5 की, एंड होलो शॉफ्ट एज शोन। एज शोन तो आउटर डाया इसका आपके पास गिवन है, तो ये कुछ ऐसे है। हमारे पास डी ए गिवन है इनर, डी इनर गिवन है 0.9 इंच, डी आउटर गिवन है हमारे पास 1.6 इंच। अच्छा, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, इसको भी डिवाइडेड बाय कर लेंगे, और सी इनर आ जाएगा और सी आउटर आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास रेडियस होता है। सी इनर और सी आउटर जब आ जाएगा तो फिर हम जे फाइंड कर लेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फार्मूला है पाई बाय 2 C2 पावर 4 माइनस C1 पावर 4। C1 बेसिकली ये होता है इनर वाला, C1 इसको कह दें या और C2 इसको कह दें। जब आप इसको C2 ये फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जे आ गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड देन हमारे पास सिंपल जो हमारे पास फार्मूला है टॉम एक्स इक्वल टू टी सी ओवर जे। इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, टॉर्क। तो टॉर्क का अगर हम इसको रीएडजस्ट करेंगे तो ये क्या बनता है, टॉम एक्स जे ओवर सी। अब सी हमारे पास ये बेसिकली C2 है आउटर वाला, क्योंकि ये मैक्सिमम के साथ है। जे फाइंड कर लिए, टॉम मैक्सिमम हमें गिवन है यहाँ पे 2.7 7.5, ये टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक बी पार्ट भी है, वो भी इसके साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि अब इनर कुछ और दिया हुआ है उसने, एंड देन टॉर्क गिवन है, डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। एग्जैक्टली वही न्यूमेरिकल है, सिर्फ उसने अब टॉर्क दे दिया हमें। अब हमारे पास ये वाली चीज़ टी की वैल्यू गिवन है, ये टी की वैल्यू गिवन है और सी उसने चेंज कर दिया, एंड देन उसने क्या फाइंड करने को कह दिया, ये चीज़ फाइंड करने को कह दिया। एग्जैक्टली वैसे ही जिस तरह पहले भी हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, पहले हम C2 फाइंड कर लेंगे, C2 D2 बाई 2 आउटर डाया, फिर C1 फाइंड कर लेंगे D1 ओवर 2। ठीक है, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम J फाइंड करेंगे अगेन, एंड देन हम फाइंड करेंगे टॉम एक्स इज इक्वल टू टॉर्क सी ओवर जे। तो टॉर्क इस केस में हमें गिवन है 9 9, उसके साथ सी की वैल्यू, सी बेसिकली हमारे पास कौन सा होगा यहाँ पे, जो आउटर है C2, ये C2 ओवर नीचे क्या जे, जे का आंसर हमने यहाँ से जो पहले निकाला वो यहाँ पे आ जाएगा। अब उसने ज़रा इनर डाया चेंज कर दिया तो ज़रा ये चेंज हो जाएगा, तो टॉम एक्स हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, गया तो ये दोनों हमारे पास पार्ट सॉल्व हो जाएंगे।